आप देख रहे हैं दृष्टि नाव, नजर हर खबर पर। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जमीन कारोबारी के रूप में पैर पसारने की कोशिश कर रहे 42 वर्षीय तस्लीम खान को रांची पुलिस ने सुखदेव नगर थाना की मदद से धर दबोचा। दरअसल तस्लीम खान जमीन कारोबारी के रूप में बड़ा काम कर नाम कमाना चाहता था। शौहरत कमाने की चाहत में तस्लीम खान रांची के ग्रामीण क्षेत्र काटीटाड़ थाना से हथियार खरीदने के लिए रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को पहले ही मिल गई। पुलिस ने मौके का फायदा उठाते हुए तस्लीम खान को खरीदे हुए हथियार के साथ धर दबोचा। तस्लीम के खिलाफ अन्य थाने में आपराधिक मामलों की अनुसंधान चल रही है। जो है हम लोगों को 16 तारीख को एक सूचना मिली थी, इसमें ये बताया गया कि ये तस्लीम खान नामक व्यक्ति अपने जमीन के कारोबार में पैर जमाने के उद्देश्य से इसका कुछ मूवमेंट हो रहा है और ये आर्म्स खरीदारी करना चाह रहा है। उसी सूचना के बेसिस पे सुखदेव नगर थाना प्रभारी के लीडरशिप में एक टीम की का गठन किया गया और उस टीम ने इस अभियुक्त को, इस आरोपी को पकड़ा है। इस व्यक्ति के पास से एक देसी पिस्टल और एक गोली जो 7.65 mm की है वो जब्त की गई है। इस व्यक्ति के पूर्व आपराधिक इतिहास के बारे में आपको बता दें, ये एक हत्याकांड का अभी आरोपी है जो कि रातू थाना में दर्ज हुआ था और वहाँ से ये जेल भी जा चुका है। इसके पास जो हम लोगों को सामान मिले उसकी विवरणी आप लोगों को मिल जाएगी और जो हमारी टीम में जो शामिल अधिकारी और पुलिसकर्मी, जिनका नाम मैं पढ़ देता हूँ, पुलिस निरीक्षक ममता कुमारी, पुलिस अवर निरीक्षक अविनेंद्र कुमार मंडल, आरक्षी देवेंद्र कुमार, अजीत बली और मनीष पे,